हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने प्यारे चैनल मोटर जोन पे और मैं हूँ आपका साथी संजीव स्वामी। तो दोस्तों, ग्रैंड i10 न्योस अभी जो है हमने 3-4 दिन पहले डिलीवरी ली थी। इसका जो है आज मैं आपको पूरा वॉक अराउंड बताने वाला हूँ, क्या क्या फीचर्स वगैरह मिलते हैं, क्या क्या चीज़ें मिलती है। इसकी कई जो है वीडियो आपको जो है चैनल पर देखने को मिल जाएगी, डिलीवरी की वीडियो देख सकते हो, माइलेज कितना है वो भी आपको जो है देखने को मिल जाएगा, क्या फीचर्स वगैरह मिलते हैं, कैसे इसके म्यूजिक सिस्टम क्या काम करता है, क्या क्या फंक्शंस इसके अंदर है, सारी चीज़ें आपको डिटेल में मिलने वाली। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फ्रंट से, ए टू जेड चीज़ें हैं आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएगी। देखिए, फ्रंट का लुक की बात करें, इसका लुक कुछ ऐसा है, इसका लुक देखने को मिलता है। ऐसा नहीं है कि कोई इसको मना कर दे कि मुझे ये जो लुक है पसंद नहीं है, कोई भी ऐसे नहीं कह सकता। इसका जो लुक है बहुत ही प्यारा लगता है सबको, मतलब लुक पसंद आता है इसका। फ्रंट के अंदर आपको इसके अंदर हुंडई का लोगो मिल जाता है, यहाँ पर ये जो है डिज़ाइन से देखने को मिल जाते हैं, यहाँ पर ये ग्रिल देखने को मिल जाती है, सिल्वर के अंदर ग्रिल देखने को मिल जाता है। नीचे आपको ये नीचे का ऐसा कुछ डिज़ाइन आपको देखने मिल जाएगा। नंबर प्लेट अभी आने वाली है, नंबर प्लेट आई नहीं है। इधर आपको जो है DRL देखने को मिल जाते हैं, DRL है। इधर की बात की जाए तो इधर जो है आपको इसके अंदर हेडलाइट यूनिट मिल जाती है, टर्न इंडिकेटर, लो बीम, हाई बीम जो है आपको देखने को मिल जाता है हेलोजन के अंदर। नीचे आपको जो है प्रोजेक्टर फॉग लैंप मिल जाते हैं विद हेलोजन। और इसका जो डिज़ाइन है ना, ये जो डिज़ाइन दिया गया इधर ब्लैकआउट, और ये जो डिज़ाइन है ये बड़ा प्यारा सा डिज़ाइन हमें जो है देखने को मिलता है। कुछ इसका फ्रंट का लुक कुछ इस टाइप का लुक है, बहुत ही प्यारा सिंपल सा सोबर सा लुक जो देखने को मिलता है। ऊपर यहाँ पे दो वाइपर दिए गए हैं, और इसके अंदर जो वाइपर के साथ में ये जो पानी है ना, वो इस वाशर जो है पानी का जो वो है इधर दिया गया है। और इधर साइड प्रोफाइल से बात की जाए ना, तो साइड के अंदर आपको इसके अंदर मिलते हैं अपोलो के जो ये अलॉय व्हील देखने को मिल जाते हैं। देखिए, डायमंड कट अलॉय व्हील मिलते हैं, जिसके प्रोफाइल है 165/70 R14 के। इसके अंदर टायर मिल जाते हैं, काफ़ी चौड़े जो है टायर इसके अंदर देखने को मिल जाते हैं। और साइड का प्रोफाइल कुछ ऐसा हमें देखने को मिलता है। बॉडी कलर आपको ORVM देखने को मिल जाता है, टर्न इंडिकेटर देखने को मिल जाता है, नीचे आपको जो ये ब्लैक कलर देखने को मिल जाता है। कुछ ऐसा इसका लुक है। देखिए, पिलर ऊपर रूफ रेल है, ब्लैक कलर के अंदर रूफ रेल दी गई है, बढ़िया रूफ रेल दी गई है, लुक के लिए दी गई है रूफ रेल जो है। और पिलर ABC पिलर है, वो आपको ब्लैकआउट दिया गया है। एंट्री की वाली एंट्री है, आपको जो की बात करें तो दो टाइप की मिलती है इसके अंदर। देखिए, एक ये आती है की जिसके अंदर लॉक लॉक और वो ये होल्ड वाला आपको जो है बटन देखने को मिल जाता है। इसको वो दबाते हैं तो ये जरूर वो कुछ होता है, ऐसा कुछ इसका लुक डिज़ाइन आपको जो देखने को मिल जाता है। यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे आपको GI10 लिखा हुआ देखने को मिल जाता है, कुछ ऐसा इसका डिज़ाइन हमें देखने को मिलता है। पीछे से बात करें, कुछ पीछे का डिज़ाइन, ऊपर शार्क फिन एंटीना, इधर स्पॉइलर और ये ब्रेक लाइट, पीछे डिफॉगर देखने को मिल जाता है, वाइपर नहीं दिया गया पीछे। यहाँ पे जो आपको स्पोर्ट्स की बेजिंग जो वेरिएंट है आपका, कौन सा वेरिएंट है वो दिया गया है इधर, ग्रैंड i10 और नियोस देन स्पोर्ट्स। मतलब ऐसे था, पहले ये i10 आती थी, उसको ग्रैंड i10 किया, तो ग्रैंड i10 को इसके अंदर रख दिया, मतलब i10 ग्रैंड को रख दिया, फिर नियोस किया, नियोस के अंदर यहाँ पे ब्लू सा एक्सेंट दिया गया, ऐसे लगता है इलेक्ट्रिकल गाड़ी है बट इलेक्ट्रिकल नहीं है। इधर हुंडई का लोगो दिया जाता है, इधर जो है पीछे रिवर्स कैमरा दिया जाता है, पीछे दो पार्किंग सेंसर दिए गए हैं, रिवर्स कैमरा है, कैमरे का आउटपुट कुछ खास नहीं है। इधर से जो आप इसको बूट को ओपन कर सकते हो, बूट ओपन करने के लिए आप की से भी इसका भी यूज़ कीजिए, आपका जो ये काम नहीं करता है क्या, ये देखो कुछ देर दबा के रखेंगे तब ये ओपन हो जाएगा। कुछ इस टाइप का बूट है, बूट के अंदर आपको जो है लगभग 245 लीटर के आसपास का बूट है, एग्जैक्ट फिगर मैं आपको लिख दूंगा। ये इसके अंदर जो है स्पेयर व्हील देखने को मिल जाता है, जिसकी प्रोफाइल भी सेम ही है, 14 इंच का है, बट ये विदाउट वो है अलॉय व्हील वाला जो है इसके अंदर ये मिल जाता है, एक ही आपको जो देखने को मिल जाता है। तो इसके अंदर ये जो है पार्सल ट्रे है, पार्सल ट्रे को अगर आपको निकालना है आप यहाँ से इसको निकाल सकते हो, यहाँ पे पकड़ने के लिए, क्लोज करने के लिए आपको जगह दी गई है, पूरी की पूरी जो है आपको कवरिंग दी गई है। ये मैग्नेटिक बटन है जिससे जो है ये अपना बूट है जो ओपन होता है। पीछे आपको बूट लैंप वगैरह कुछ भी देखने को नहीं मिलता है, सिंपल सोबर सा आपको डिज़ाइन है। यहाँ से एक चीज़ और है, सीट को जो है आप फोल्ड कर सकते हो, इधर से दोनों को करके पूरी सीट है वो फोल्ड कर सकते हो एक साथ। कुछ ऐसा इसका पीछे का लुक देखने को मिल जाता है हमें। इसको अगर 30 सेकंड तक दबाएंगे तो ही ये बूट ओपन होता है, देखिए हो गया। कुछ ऐसा है, कोई साउंड नहीं है। पीछे आपको जो है रिफ्लेक्टर भी देखने को मिल जाता है, पीछे का लुक भी बहुत ही सुंदर सा प्यारा सा लुक देखता है। इधर जो है आपको इसका फ्यूल जो टैंक मिल जाता है, 35 लीटर का फ्यूल टैंक आपको जो है देखने को मिल जाता है इसके अंदर। कुछ ऐसा इसका डिज़ाइन है, चलिए देख लेते हैं। अब मैं आपको गाड़ी के अंदर लेके चलता हूँ, चलिए गाड़ी के अंदर लेके चलते हैं। सबसे पहले लॉक अनलॉक करो, दो की आती है, एक जो है इस ये की आती है, दूसरी वाली जो है नॉर्मल की आपको जो देखने को मिल जाती है। डोर ड्यूल पैनल के अंदर आपको डोर देखने को मिल जाते हैं,
वाइट ऑफ वाइट कलर, ब्लैक कलर, यहाँ पे कोई कॉइन वगैरह रखने के लिए, इधर जो है बोल्टर होल्डर रखने के लिए, और इधर जो है आपको स्पीकर देखने को मिल जाता है। ये सिल्वर फिनिश के अंदर डोर हैंडल है और ये डोर लॉक अनलॉक है। अब बात करते हैं इनकी, ये ORBM को डायरेक्शनल सेट करने का, कौन सी डायरेक्शन किधर सेटिंग वगैरह करना है, ये ORBM में कौन सा ORBM आपको सेट करना है उसके लिए, ये ORBM ऑन ऑफ करने के लिए, मतलब इलेक्ट्रिकली क्लोज वाला जो ऑप्शन होता है ना, ऑटोमेटिक वाला, वो नहीं है, इससे आप जो है दोनों ORBM को क्लोज कर सकते हो। इधर जो आपको इसके अंदर दो बटन मिल जाता है, लॉक एंड लॉक, ठीक है, ये मिल जाता है। इधर जो है चारों पावर विंडो का ऑप्शन है, ये वन टच डाउन है, अप नहीं है, और ये इसको जो है पावर विंडो को लॉक करने के लिए मिल जाता है, कुछ ऐसा इसका डिज़ाइन है। इधर अगर बात करें आपको हाइट एडजस्टेबल का ऑप्शन मिल जाता है, पीछे आगे करने का, ये जो रिक्लाइन करने का ऑप्शन आपको जो है इधर देखने को मिल जाता है। इधर जो है नीचे आपको ये वो खोलने का, इंजन ओपन करने के लिए जगह मिल जाती है। इधर आपको जो है हेडलाइट यूनिट का एडजस्ट करने के लिए आपको मिल जाता है। ये जो चीज़ है ना AC का वेंट्स का थ्रो, ये डिज़ाइन बड़ा प्यारा लगता है, अल्टीमेट वाला डिज़ाइन लगता है यार, क्या गजब है। और इसकी बात करें ना, हम मुझे इसकी गाड़ी की सबसे बढ़िया चीज़ जो लगी ना, इसका कंफर्टेबल थाई स्पोर्ट, देखोगे ना आप कितना एक्सटेंडेड थाई स्पोर्ट है भाई, सब क्या गजब का लगता है इसके अंदर। और सबसे बड़ी बात है देखो, इधर जो है लेदर दिया गया, इधर जो ये फैब्रिक से दिया गया, इससे क्या पसीना भी नहीं आता है और कुछ भी नहीं। मैं तो सोच रहा हूँ इसको चेंज ही नहीं करवाएं, बट घरवाले बोल रहे हैं गंदे हो जाएंगे तो इसको चेंज कराओ, ये भी बहुत अच्छा है। बस ये एडजस्टेबल नहीं दिए गए हैं, बट एडजस्ट कर सकते हैं इसके अंदर, इतनी ज़्यादा ऊंची गाड़ी नहीं है तो पूरा आराम से देखोगे ना इसको कंफर्टेबल, मतलब इसका पोस्टर जो बहुत ही शानदार दिया गया, कुछ ऐसा इसका इंटीरियर है। गाड़ी के अंदर चल के मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको, चलिए गेट को करते हैं हम बंद। देखिए अब मैं इसको बटन को आपको दिखाऊँ, ये देखिए ORBM क्लोज हो गए, अब इसको ओपन करेंगे ORBM ओपन हो जाएंगे। तो ऐसा कुछ इसका लेआउट है। स्टेयरिंग की बात करें, आपको जो है स्टेयरिंग नॉर्मल स्टेयरिंग मिलता है इसके अंदर, मतलब लेदर स्टेयरिंग नहीं मिलता, ये इसके अंदर स्टेयरिंग के अंदर डिज़ाइन है। ये हॉर्न है, हॉर्न के ऊपर हुंडई का लोगो। इधर आपको जो है कंट्रोल मिल जाते हैं म्यूजिक सिस्टम के, जहाँ पे कॉल अटेंड करने का, डिस्कनेक्ट करने का, कॉल करने का, वॉल्यूम कम ज़्यादा करने का, इससे जो है ओके या फिर वो करने का, म्यूट वगैरह करने का। इधर आपको कनेक्टिविटी, किस टाइप की कनेक्टिविटी चाहिए, इधर आपको जो है मोड है। इधर जो आपको इसके अंदर मिल जाते हैं वाइपर के ऑप्शन, वाइपर कंट्रोल के ऑप्शन, इधर जो आपको इसके अंदर मिल जाते हैं हेडलाइट यूनिट के ऑप्शन और फॉग लैंप वगैरह, जैसे ऑन ऑफ करना है वो अपने आप वन पे करेंगे तो ऑन ऑफ हो जाएगा, ठीक है। साथ में टर्न इंडिकेटर का भी ऑप्शन है। इधर जो आपको इसके अंदर डिस्प्ले मिल जाती है, मैं एक बार की लगा देता हूँ, की आपको इसके अंदर लगानी पड़ेगी, की लेस वो पुश स्टॉप स्टार्ट वाला ऑप्शन आपको इसके अंदर नहीं देखने को मिलता। की लगाओ, ये इग्निशन ऑन हो गया, इग्निशन जैसे ही ऑन होगा इसका इग्निशन हो गया। इधर जो है आपको टेकोमीटर मिल जाता है, RPM मीटर बोलते हैं। इधर आपको जो है इसके अंदर स्पीड मिल जाती है, कितनी स्पीड पर चल रही है, क्या एवरेज दे रही है, कितने किलोमीटर चली हुई है, क्या आउट बाहर का जो टेम्परेचर है वो इसके अंदर मिल जाता है। इधर जो आपको इसके अंदर वो मिल जाता है, उम्मीद है पूरा क्लियर दिख रहा होगा, अब क्लियर दिख रहा है सर, इधर मिल जाता है। इसको हम करेंगे ना तो इससे, इसको दबा के रखेंगे तो इससे रीसेट हो जाता है, ये ट्रिप है, कितने किलोमीटर जो है ट्रिप दूसरी चली गई है, ठीक है ना। और ये टाइम क्या हो गया वो टाइम आपको जो है दिखा देता है, या फिर कब से जो है गाड़ी स्टार्ट की है। और इधर ट्रिप ए, इसको प्रेस करके रखेंगे तो ये रीसेट हो जाएगी। ये ट्रिप बी, इसको लॉन्ग प्रेस करेंगे इस नॉब को तो ये भी रीसेट हो जाती है। इधर डिस्टेंस टू एम्प्टी, कितने 673 किलोमीटर के बाद में ये डिस्टेंस जो ब्लैंक हो जाएगी, ये जो है एवरेज, एवरेज कोई खास मुझे लगी नहीं अभी तक फर्स्ट सर्विस से पहले। यहाँ का देखें हम पोस्चर वगैरह काफ़ी अच्छा है, फिट एंड फिनिश काफ़ी अच्छी है। ये जो चीज़ है ये पियानो ब्लैक में दी गई है, ये सारी चीज़ें जो है पियानो ब्लैक दी गई है, तो इसमें जैसे फिंगरप्रिंट वाला जो है वो रीड ज़रूर होती है। इसका कुछ डिज़ाइन की बात करें, इधर जो है आपको इसके अंदर सीख ट्रैक सेटअप रेडियो मीडिया स्टार, ये ऑन ऑफ पावर पुश स्टॉप स्टार्ट, इधर एंटर करने का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। इसके ऊपर डिटेल के अंदर आपको जो है एक वीडियो देखने को मिल जाएगी कि क्या क्या इसके अंदर जो है ऑप्शन है, पूरे मीडिया इसके ऊपर पूरा जो म्यूजिक से, ये जो मीडिया वाला सिस्टम है ना, इंस्ट्रूमेंट पैनल बोल दो या फिर इसको जो भी बोल रहे हैं, ये पूरा पूरा है, इसके ऊपर डिटेल में वीडियो मिल जाएगी इसकी। इधर जो AC वेंट्स ये दिया गया है, इसका डिज़ाइन भी ठीक ठाक है, 1000 लाइट दी गई है, काफ़ी अच्छी है। इधर जो है ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल या ऑटोमेटिक AC का वो ऑप्शन दिया गया है। इधर जो है AC के फैन स्पीड ऑन ऑफ करने का आपको जो है ऑन दिया गया है, इसको ऑटो ऑफ कर दो। इधर जो है आपको इनके भी ऑप्शंस मिल जाएंगे, इधर जो है AC सर्कुलेशन बाहर से फ्रेश हवा कर लेनी है तो ऐसे कर दो, अंदर के अंदर सर्कुलेट करनी है तो इसको कर दो। ये AC के डायरेक्शन चेंज करने का है, ठीक है। ये रियर डिफोगर ऑन करने का, ये फ्रंट डिफोगर ऑन ऑफ करने का, AC ऑफ ऑन करने का, ठीक है ना।
तो इसको आप ऐसे ध्यान रखो, ये चीज़ें जो है जैसे फॉग वगैरह के अंदर काम आती है, कुछ ऐसा है। ये बहुत बढ़िया डिजाइन वगैरह दिया है इन्होंने, ये जो टेक्सचर, ये जो है ना एक और कलर बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन जो है इसका इन्होंने दिया है। ये डिजाइन वगैरह काफ़ी अच्छा, और सबसे बड़ी चीज़ इसकी बड़ी प्यारी लगती है ये, यहाँ पे फ़ोन वगैरह आराम से रख दो, जो पास में पैसेंजर बैठा है वो रख दो। ग्लो बॉक्स आपको जो इतना सा ग्लो बॉक्स, डिसेंट सा ग्लो बॉक्स देखने को मिल जाएगा। इधर बात करें, इधर आपको जो है यूएसबी सॉकेट मिल जाता है, 12 वोल्ट का पावर सॉकेट देखने को मिल जाता है। इधर आप जो है फोन वगैरह रख लो, कोई सामान वगैरह रख लो। मैनुअल ट्रांसमिशन, 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन है। गियर बड़े स्मूथ लगते हैं इसके, बहुत स्मूथ शिफ्टिंग है। इधर आपको जो है इसके अंदर दो कप होल्डर देखने को मिल जाते हैं। इधर जो है एक छोटा सा सामान रखने के लिए, ये हैंड ब्रेक के लिए जगह मिल जाती है, हैंड ब्रेक ये। और पीछे आपको जो है रियर एसी वेंट्स मिल जाता है। ये जो रियर एसी वेंट्स है ना, जिनके पास है अभी मैं फील कर रहा हूँ, बड़ा इसका आउटपुट शानदार है। कुछ ऐसा इसका इंटीरियर है, ठीक है, देख लीजिए, काफ़ी प्रीमियम सा लगता है। इधर जो आपको इसके अंदर ये एक्स्ट्रा जो है सन वाइजर के अंदर ये मिल जाता है, मिरर मिल जाता है। इधर आपको जो कुछ नहीं मिलता, सिर्फ टिकट होल्डर मिलता है। ये जो है आपको IRBM में जो मैनुअली एडजस्ट करना पड़ेगा, बट इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, नो डाउट। कुछ ऐसा इसका इंटीरियर है। इसकी बात करें, इसके अंदर एंड्रॉयड ऑटो जो है कारप्ले देखने को मिल जाता है, और साथ में इसके अंदर जो है DRBM का भी फीचर मिल जाता है, जो आपको जो है कुछ ऐसा पीछे का कैमरा गाड़ी चलती हुई है उसमें भी देखने को मिल जाता है। सेटिंग वगैरह आप कर सकते हो, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वगैरह आप जो है डिवाइस की कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। काफ़ी चीज़ें इसके ऊपर डिटेल में वीडियो आपको जो है देखने को मिल जाएगा। बाकी फ़ोन, वॉइस मेमो, फेवरेट, रेडियो, मीडिया और ये मैनुअल वगैरह जो है इसके अंदर सारी चीज़ें आप जो है रीड कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसका इंटीरियर मैंने आपको बता दिया, काफ़ी जो है मतलब प्रीमियम लगती है, कोई ऐसा इसके अंदर डाउट वगैरह नहीं लगा, ये भी सही है। इसके अंदर एक चीज़ और, ये स्टेयरिंग है, इसको टिल्ट एडजस्टेबल आप कर सकते हो अपनी हाइट एडजस्ट, हाइट के अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर सकते हो। टेलीस्कोपिक आपके इसके अंदर ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है, तो कुछ ऐसा इसका था। बाकी इसके अंदर जो ये जो चीज़ है ना, इसकी जो सीटिंग कंफर्टेबल बड़ा शानदार अल्टीमेट आपको जो देखने को मिल जाता है। सीट बेल्ट वगैरह मिल जाएगा, ग्रैब हैंडल मिल जाएगा, लाइट आपको जो इसके अंदर लाइट यहाँ पर मिलती है, ठीक है, अच्छी बात है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसकी लाइट वगैरह मिलती है। इधर जो इसका माइक मिलता है, आप जो कॉल वगैरह इसी से अटेंड कर सकते हो, काफ़ी कंफर्टेबल जो है इसके अंदर रहता है। अब चलते हैं हम गाड़ी के पीछे का, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। पीछे डोर की बात करें, इधर जो है आपको ये सेम मिल जाता है, ब्लैक वाइट और तीन कलर का कॉम्बिनेशन मिल जाता है। स्पीकर मिल जाता है, बॉटल होल्डर मिल जाता है कॉइन वगैरह रखने के लिए, पावर विंडो है, ये इधर सिल्वर फिनिश है। ये डिज़ाइन वगैरह आपको अच्छा खासा देखने को मिल जाता है, कुछ ऐसा इसके अंदर है। पीछे का भी बात करें तो ये इसका भी जो कम्फर्टेबल है ना, आप देखोगे कितना मतलब साइज स्पोर्ट कितना अच्छा है इसके अंदर, और ये काफ़ी अच्छा है। ये फिर यहाँ पर जो है आपको ये फिक्स्ड ही देखने को मिलता है, और कुछ नहीं है बाकी, ठीक है। इसके अंदर ये थोड़ा सा एक चीज़ मुझे थोड़ी सी लगती है, एक ये पता नहीं क्या है हुंडई वालों ने, ये एक साइड में दे दिया और एक साइड में नहीं दिया। और पीछे एसी वेंट्स, भाई सब बहुत बढ़िया कमाल की चीज़ है, इसको यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हो। पीछे पावर सॉकेट दिया दिया गया आपको। पीछे से देखिए आगे का लुक कितना प्यारा लगता है, एकदम मतलब इस बजट के अंदर बहुत ही बढ़िया गाड़ी है, कोई डाउट नहीं है। बस एक चीज़ की कमी जो है मुझे लगती है इसके अंदर, वो है इसकी सिर्फ 2 स्टार से एपी रेटिंग, बाकी गाड़ी के अंदर कोई कमी नहीं है भाई, सब प्रीमियमनेस और सब चीज़ें हैं एकदम ओके है। आप देखोगे ना सारी चीज़ें बहुत ही एकदम फिट एंड फिनिश। यहाँ पे ग्रेव हैंडल वगैरह आपको जो है देखने को मिल जाता है। ये देखिए, ये इधर का लुक, ये देखिए क्या गजब चीज़ें लगती है ना, बढ़िया आप एकदम फर्स्ट क्लास लगती है। और रही बात कंफर्टेबल वगैरह की, तो काफ़ी अच्छा कंफर्टेबल है। मैंने ये सीट पूरी पीछे कर रखी है, एकदम मेरी ड्राइविंग पोजीशन से भी पीछे कर रखी है, फिर भी आप देखोगे ना इसके अंदर ठीक ठाक आराम से जो है जगह है। और बाकी वैसे काफ़ी स्पेशियस गाड़ी है, कोई ऐसा सच कोई दिक्कत वगैरह है नहीं। अभी मैं आपको इसका इंजन भी दिखा देता हूँ, ओपन करके, चलिए चलते हैं, इंजन ओपन करके दिखाता हूँ मैं एक बार आपको। इंजन को ओपन करने के लिए आपको ये ओपन करना पड़ेगा, यहाँ से जो आप इसको इंजन को ओपन कर सकते हो। इंजन का रिफाइनमेंट काफ़ी अच्छा है, आपको जो है पता भी नहीं चलेगा गाड़ी ड्राइविंग करते समय। और ये देखिए, ये आपको ऊपर कवरिंग वगैरह कहीं नहीं दी गई है। इधर ये मुझे लगता है बिल्लियाँ हैं घर पे, तो वो आ गई इसके ऊपर, बिल्ली के बच्चे जो है इसके ऊपर चढ़े हुए, देख रहे हो आप निशान वगैरह। इधर बैटरी वगैरह दिख रहता है, ये है 1.2 लीटर का 4 सिलेंडर इंजन जो है आपका देखने को मिल जाता है, जो 83 BHP की पावर और 114 NM का जो है टॉर्क जनरेट करता है। ये वाला है हुंडई के अंदर जो जनरली सभी गाड़ियों में आता है। तो दोस्तों, ये था हुंडई i10 Nios का फुल वॉक अराउंड रिव्यू। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। इसके एक एक जो फीचर्स, बटन्स वगैरह है, उसका डिटेल में आपको जो वीडियो देखने को मिल जाएगा, तो वो भी आप
जाके देख सकते हो, एक एक चीज़ें आपको मिलेगी। एवरेज वगैरह कोई खास नहीं है, 15-16 की जो है एवरेज इसके अंदर अभी तक मिली है मुझे हाईवे के अंदर। हो सकता है फर्स्ट सर्विस के बाद में और भी मिल जाए। तो यही था वीडियो पूरा डिटेल में। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, थैंक यू सो मच। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।